ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया यहाँ पर ये डोरा केक हुआ है बन के तैयार। और आप केक का टेक्सचर देख सकते हैं कितना बढ़िया आ गया है। और केक के ऊपर ये जो जाली है ये भी बहुत अच्छे से पड़ी हुई है और बहुत ही ज़्यादा ये फ्लफी है। तो चलिए कुछ टिप्स के साथ बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार डोरा केक को बनाना हम शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है और बाउल में डाला है आधा कप कंडेंस मिल्क। ये जो कंडेंस मिल्क होता है ये मीठा होता है। और साथ ही साथ डालेंगे 2 कप मैदा और दोनों को हमें अच्छे से मिला लेना है। दोनों को मिलाने के बाद अब हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और दूध डालकर इसका बैटर तैयार करेंगे। तो ये यहाँ पर हमारा बैटर हो गया है बनके तैयार। अब हम डालेंगे 1 चम्मच वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस को अच्छे से मिलाएंगे। मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा डालकर बेकिंग सोडा को हमें अच्छे से मिलाना है। इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है, बस बेकिंग सोडा को अच्छे से मिक्स करना है। तो ये यहाँ पर हमारा परफेक्ट बैटर हो गया है बनके तैयार। अब लिया है मैंने यहाँ पर तवा और तवे पर डालेंगे हम 1 चम्मच तेल। और तेल को अच्छे से हम तवे के ऊपर फैला देंगे। तो मैं यहाँ पर टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। टिश्यू पेपर की मदद से हम तेल को अच्छे से फैलाएंगे। हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़े से तेल का ही इस्तेमाल करना है जिससे कि जो तवा है अच्छे से ग्रीस हो जाए। केक बनाने के लिए नॉन स्टिक पैन का यूज़ करें। और अब हम तवे के ऊपर डालेंगे 1 चम्मच भर के बैटर। और बैटर को हमें थोड़ा सा फ्लैट कर देना है। और फ्लैट करने के बाद इसको कर देना है हमें कवर। और गैस का फ्लेम करना है लो। लो फ्लेम पे केक को हमें अच्छे से पकाना है। तो आप देख सकते हैं केक के ऊपर छोटे छोटे बबल्स आ गए हैं। केक नीचे से भी अच्छे से सिक गया है। तो इसको हम पलट लेते हैं। और पलट के दूसरी साइड हमें लगभग 30 से 35 सेकंड तक इसको अच्छे से सेकना है। दोनों तरफ यहाँ पर केक सिक गया है, आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको नीचे साइड भी दिखा देती हूँ। ये देखिए नीचे भी अच्छे से सिक गया है और ये फूल भी गया है। इसी तरीके से हम सारे डोरा केक बना के रेडी कर लेंगे। ये दूसरा डोरा केक है, आप यहाँ देखिए ये भी कितना बढ़िया बना है। तो मैंने यहाँ पर ये टोटल 4 डोरा केक बनाए हैं। तो केक्स यहाँ पर हो गए हैं हमारे ठंडे। अब हम केक के ऊपर लगाएंगे 1-1 चम्मच भर के चॉकलेट स्प्रेड। और स्प्रेड को अच्छे से फैला देंगे। और फैलाने के बाद दूसरे केक को हम चॉकलेट स्प्रेड लगे हुए केक के ऊपर रख देंगे। केक हो गया है बन के तैयार। इसको आप पीसीज में भी कट करके सर्व कर सकते हैं। ये जो डोरा केक होता है बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। दोस्तों रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।